हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो सिर्फ कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है कमेंट्स में है जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है। एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड की थी और आज की वीडियो नए वाले कमेंट्स के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में जो है डाउट्स है, तो उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आप भी चाहे तो कमेंट कर सकते हैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो। जैसे कि एक यहाँ पे क्वेश्चंस है, उनके पास में डाउट्स है कि सर, स्टोर कीपर का कोई कोर्स होता है या फिर किसी स्टोर में जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू देना पड़ता है उसके बाद जॉब मिलती है, या फिर कोई कोर्स करना होता है उसके बाद इंटरव्यू दे सकते हैं, प्लीज सर बताएं, एजेंट है। तो इसके बारे में बता दूं आपको फ्रेंड्स कि स्टोर कीपर का कोर्स होता है, ठीक है ना। स्टोर कीपर का सेपरेट कोर्स होता है, लेकिन उसमें स्टोर कीपर का काम नहीं बल्कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम सिखाया जाता है। स्टोर कीपर का जो काम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोर का काम होता है, ठीक है ना। लेकिन उसी के साथ में उसकी एंट्री करना, इनबोर्ड आउटबोर्ड जो होता है वो सारी चीजें जो है कंप्यूटर पे की जाती है, तो इसलिए जो है वहां पे कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाता है। लेकिन फिजिकली जो काम होता है वहां पे स्टोर में, वो मटेरियल्स को रिसीव करना और डिस्पैच करना, ये सारे काम होते हैं। मटेरियल्स को अरेंज करना, उसको स्टोर में स्टोरेज करना, स्टोर में लोकेशन देना, बीन कार्ड लगाना, स्टोक कार्ड जिसे हम कहते हैं, और मटेरियल्स की क्लीनिंग कराना और अच्छे से स्टोर को साफ सफाई कराना, ये सब काम स्टोर को होते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टोर कीपर का जो काम होता है वो मैनुअल और सिस्टम दोनों होता है, यानी कि कहे तो वो सिस्टम पे भी करता है। सिस्टम पे कब करता है, जब स्टोर से मटेरियल से रिलीज होता है, दूसरे स्टोर पे जाता है या प्रोजेक्ट या साइट पे जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है जब आप मटेरियल्स को डिस्पैच कर रहे हैं तो आपको उसमें मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए पेपर बनाना पड़ता है, तो उसमें जो है स्टोर कीपर को इसलिए जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी बेहद जरूरी है। तो मैं बात करूं फ्रेंड्स मटेरियल्स ट्रांसफर की, तो मटेरियल्स ट्रांसफर जो है दो तरह से होती है। एक तो आप मैनुअल करते हैं, ठीक है ना, तो मैनुअल अब जो है वो कन्वर्ट हो गया है एक्सेल में, जो कि कंप्यूटर से हो रहा है, वो भी एक मैनुअल ही समझ लीजिए जो सिस्टम से हो रहा है। लेकिन अब एक जो होता है वो ईआरपी सिस्टम पे होता है, कंप्यूटर पे होता है, जो मैनुअल को खत्म करके वो कंप्यूटर पे आ गया है। तो कंप्यूटर पे जो है एक्सेल में आप जो है मटेरियल्स का ट्रांसफर ऑर्डर या मटेरियल्स इश्यूएंस वाउचर या मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाते हैं, ठीक है ना, ये तीन चीजें उसमें आप करते हैं। अगर बात करें ईआरपी सिस्टम पे, तो उस तो ईआरपी पे जो होता है फ्रेंड्स, आपको उस पे टीआरओ बनाना पड़ता है, उसके साथ साथ मूवमेंट करना होता है, ये दो चीजें जो है इस पे बनता है। मटेरियल ट्रांसफर नोट जो है वो भी ईआरपी सिस्टम कंप्यूटर पे बनता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि ईआरपी सिस्टम पे कैसे काम होता है, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी हुई है तो आप देख सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आपको मटेरियल ट्रांसफर की जाती है। अब मटेरियल ट्रांसफर करने के जो यहाँ पे मेथड होता है वो दो तरह से होता है। अगर प्रोजेक्ट है तो मटेरियल ट्रांसफर ऑर्डर बनता है, अगर प्रोजेक्ट कोड नहीं है, यानी कि प्रोजेक्ट कोड नहीं है, कोई हो सकता है कि जैसे कि बिल्ला हो या कुछ हो जहाँ पे कि प्रोजेक्ट कोड ना हो, प्राइवेट बिल्ला होते हैं अपने कंपनी के, तो उसपे तो प्रोजेक्ट कोड नहीं होगा, तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है कि मूवमेंट किया जाता है। मूवमेंट की मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर मटेरियल को भेजा जाता है, तो उस सिचुएशन में मूवमेंट किया जाता है। लेकिन मूवमेंट में दिक्कत क्या होती है कि एक बार जब मटेरियल्स मूवमेंट से निकल गया तो फिर उसको आप जो है एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो आपकी इन्वेंटरी से बाहर हो जाती है। लेकिन वही बात करें ट्रांसफर ऑर्डर की, तो मटेरियल्स एक जगह से दूसरे जगह पर जब ट्रांसफर होता है तो उस मटेरियल्स को आप जब रिलीज करते हैं तो दूसरे स्टोर पर स्टॉक में चला जाता है और वहां पे भी ऑन हैंड में दिखाता है। फिर उस मटेरियल्स को आप जब काम हो जाता है तो वापस भी कर देते हैं, और चाहे तो उसमें आप एडजस्ट भी कर लेते हैं, जो भी जब मटेरियल्स आपको वापस आता है तो उसके साथ साथ में वो भी वहां से वापस कर देते हैं। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स काम की जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक स्टोर कीपर का जो काम होता है वो कंप्यूटर के साथ साथ में मैनुअल काम होता है, और जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है स्टोर कीपर की वो दोनों होती है, क्योंकि वहां पे असिस्टेंट स्टोर कीपर भी रहता है स्टोर कीपर के साथ में, जो कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उसी के ऊपर होती है कि मटेरियल्स को रिसीव करना, उसको अरेंज करवाना। बाकी स्टोर कीपर जो होता है उसके साथ साथ में जो कि उसको गाइड करता है, ठीक है ना।
तो अगर आपके पास में असिस्टेंट स्टोर कीपर है तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको खुद वो काम करना पड़ेगा असिस्टेंट स्टोर कीपर का, स्टोर कीपर का। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप खुद मटेरियल रिसीव करेंगे और खुद मटेरियल्स को जो है रैक में रखवाएंगे, उसको सॉर्ट आउट कराएंगे, उसके साथ साथ में उसमें टैग लगवाएंगे और उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और इन्वेंट्री में ऑन हैंड में अपना जो है उसको एंट्री करेंगे, आप एक्सेल में भी और ईआरपी सिस्टम में भी उसको अपडेट करवाएंगे। तो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो टीआरओ से आता है, तो जब टीआरओ आप रिसीव करते हैं ईआरपी सिस्टम पे तो ऑलरेडी वो ऑन हैंड पे आ जाता है, लेकिन उसके बाद से एक्सेल पे आपको जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है उसको, ताकि आपको पता चले कि कौन सा मटेरियल्स गया है और कौन सा मटेरियल्स बाकी है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है कि इन्वेंट्री जो है कैसे एक्सेल में की जाती है, अब बिन कार्ड स्टॉक कार्ड कैसे बनता है उसमें, तो वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका डाउट था, मेरे ख्याल से ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है स्टोर कीपर का कोर्स होता है और स्टोर कीपर के नाम से ही वो आता है जिसमें हम सर्टिफाइड स्टोर कीपर कहते हैं, वो कोर्स आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाके चेक कर सकते हो, होता है। अगर नहीं आपके पास में, आपके इलाके में, आपके एरिया में नहीं होता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसके जगह पे जो है आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स जैसे कि डीसीए, एडीसीए, सीसीए, डीएफए, जो भी आप को जो है कोर्स वहां पे हो रहा है एक्सेल से रिलेटेड जिसपे कंप्यूटर का कोर्स होता है वो आप कर सकते हो, उसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मस्ट है कि आपके पास में इंग्लिश और साथ में टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग का जो WPM है कम से कम आपके पास में 30 होनी चाहिए, 25 से 30 के बीच में, ताकि आप टाइपिंग कर सके। और आपको एक्सेल पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्सेल पे कैसे काम किया जाता है। तो इस तरह से जो है आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जो कि डिप्लोमा कोर्स होता है, उसमें आप जैसे कि डीसीए कर रहे हैं तो 6 मंथ का होता है, और अगर एडीसीए कर रहे हैं तो 1 साल का होता है, 1 ईयर का, और सीसीए जो है मेरे ख्याल से 3 मंथ का होता है, डीएफए जो होता है जो कि 6 महीने का होता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स है, लेकिन आपको जो है डीएफए जो है फाइनेंशियल वाले जो अकाउंटेंट वाले जो होते हैं, आर्ट्स वाले, वो ज्यादातर करते हैं, और साइंस में जो होते हैं ज्यादातर डीसीए एडीसीए करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो आप कैम का कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें कि 1 साल का होता है, और उसमें भी जो है आपको अकाउंट से रिलेटेड काम सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप एज ए स्टोर कीपर जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप जो है कोई डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए जिसमें डीसीए एडीसी, ये दो कोर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आपके सारे चीज कवर हो जाता है, जैसे कि उसमें आपका एक्सेल आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जितना भी काम होता है वो टोटल आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। और कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें होती है जैसे कि कंप्यूटर कैसे जो है चलाया जाता है, कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बेसिक चीज इसमें जो होती है वो आपको जो है जानकारी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर चलाने से नहीं, आपके पास में बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, ताकि आप किसी की जो है वहां पे पैर भी ना करें, आप खुद से आप अपना काम कर सके। तो ये जो है एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जब भी आप कोर्स करते हैं तो कहीं भी जाके पहले 2-3 महीने काम कर लीजिए, अगर मिलता है तो, अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इस टाइम में जो है आप कंपटीशन के वजह से जो है भाग जाते हैं, लेकिन भागे नहीं, आप भी कोशिश करें, उसमें हो जाता है, क्योंकि किस्मत है, किसी की किस्मत होती है वो ज्यादा सैलरी के चक्कर में नहीं जा पाता है, और कोई किसी को जो है सिर्फ जॉब की जो है ये रहती है कि मुझे जॉब मिल जाए, तो उसको अच्छी सैलरी मिल जाती है फ्रेशर में ही। तो आप कोशिश करें जो है, कोशिश करके जाए, इस जो है चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है जो कि शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इस चैनल की वीडियो देखेंगे, जब आप ट्रेनिंग वाली वीडियो देखेंगे जितनी भी मटेरियल से रिलेटेड है और ईआरपी सिस्टम से रिलेटेड, तो उससे आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, और आप जो है डिप्लोमा कोर्स करके, टाइपिंग करके, साथ साथ में इंग्लिश की अच्छी से तैयारी करके आप इंटरव्यू देकर किसी भी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं। उसके बाद से आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे काम किया जाता है, नहीं तो उसके लिए जो है ये चैनल है, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी आइडिया जो है शेयर की गई है, आप जाके देख सकते हैं और वहां से आइडिया ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए ही था, एक आपका ये जो क्वेश्चन था, मेरे से ख्याल से ये आपका डाउट अब खत्म हो गई होगी, आपको पता हो गया होगा कि स्टोर कीपर का कोर्स होता है, अगर नहीं है आपके इलाके में, आपके पास में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए जिसमें एक्सेल से रिलेटेड काम सिखाया जाता हो, एक्सेल पे आपको बताया जाता हो कि कैसे एक्सेल पे काम होता है, और उसमें जो है आप सीख के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।